दोस्तों, अमेजॉन रेन फॉरेस्ट दुनिया की सबसे बड़े रेन फॉरेस्ट में से एक है और यहाँ पे काफी लोग एडवेंचर और एक्सप्लोर करने के लिए आते हैं। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे अमेजॉन के जंगल में पाए जाने वाले मोस्ट डेंजरस एनिमल्स के बारे में। तो अपनी लिस्ट की शुरुआत करते हैं अमेजॉन के पानी में मौजूद शॉक देने वाली इलेक्ट्रिक ईल से। ये ईल इतनी ज्यादा खतरनाक तो नहीं होती कि ये किसी इंसान को पूरी तरीके से मार सके, लेकिन इसका 600 वोल्ट का करंट किसी भी इंसान को हार्ट अटैक देने के लिए काफी है। ये मछलियां पानी की गहराई में रहती हैं और अपने शॉक की मदद से शिकार करती हैं। इनके शौक के कारण ही इन्हें पकड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है और यही एक कारण है कि ये किसी भी तरीके के कलेक्शन में मौजूद नहीं मिलती। इंसानों के लिए इन मछलियों को पकड़ना बहुत ही मुश्किल होता है और इन्हें पकड़ने के लिए इनके डिस्चार्ज होने तक का इंतजार करना पड़ता है। और इनकी एक खास बात होती है कि इनका फर्टिलिटी सिस्टम काफी जबरदस्त होता है। ये एक बार में 3,000 से भी ज्यादा ईल्स को जन्म देती है। और हमारे अगले नंबर का जो जीव है वो है अरापाइमा। ये लगभग 2 मीटर लंबी और लगभग 100 किलोग्राम से भी ज्यादा वजन की होती है और ये मछली दुनिया की सबसे बड़ी मछलियों में से एक है। ये इंसानों को सीधे तौर पे तो नुकसान नहीं पहुंचा सकती, लेकिन अमेजोन जंगल में मौजूद दूसरे जानवर इसके खौफ से जरूर डरते हैं। ये मछली पानी में तैरकर भी और हवा में भी सांस ले सकती है और ये अमेजोन के पानी में मौजूद दूसरी मछलियों को खाती है। हालांकि ये ह्यूमंस के लिए काफी इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि इसकी हड्डियों से सुनने वाली मशीनों का निर्माण किया जाता है। और हमारे अगले नंबर के जीव है अमेजोन के जंगल में पाए जाने वाले मस्कीटो। एक सर्वे के अनुसार अमेजोन के सबसे खतरनाक जानवरों में मच्छर भी शामिल है, क्योंकि यहाँ पे होने वाली मौतों का एक बड़ा प्रतिशत डेंगू, मलेरिया और मच्छरों से होने वाली अन्य बीमारियों का कारण होता है। अमेजोन में मच्छर आने वाले कई लोगों को ऐसी बीमारियां दे देते हैं जिनका पता लगाना काफी ज्यादा मुश्किल होता है। और यहाँ आने वाले टूरिस्ट इन मच्छरों को मारने के लिए एक टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं जिसे डीट कहा जाता है। ज्यादातर मच्छर इस टेक्निक से भी नहीं मरते। तो अगली बार आप अमेजोन जाएं तो कुछ ले जाएं या ना ले जाएं, लेकिन मच्छरदानी जरूर लेके जाएं। और हमारा अगला जीव है साउथ अमेरिकन रैटल स्नेक। वैसे तो अमेजोन में कई तरह के सांप पाए जाते हैं, लेकिन रैटल स्नेक उन सबसे ज्यादा खतरनाक होता है और इंसानों के लिए भी ये एक बड़ा खतरा होता है। और रैटल स्नेक दुनिया के सबसे ज्यादा खतरनाक सांपों में से एक माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि रैटल स्नेक एक बार काट ले तो इंसान का बच पाना लगभग नामुमकिन हो जाता है। दोस्तों, लैटिन अमेरिका में हुए अब तक की सभी सांप के काटने से होने वाली मौतों में से लगभग 9% से भी ज्यादा मौतें रैटल स्नेक के काटने से हुई है और इससे आप इसके खतरनाक होने का अंदाजा लगा सकते हैं। और हमारे लिस्ट का अगला जीव है ब्राजीलियन वेंडरिंग स्पाइडर। और इस मकड़ी को दुनिया की सबसे जहरीली मकड़ी माना जाता है और ये मकड़ी बड़े बड़े जानवरों को आसानी से अपने जहर से परेशान कर सकती है। हालांकि ये अपनी हर बाइट में जहर नहीं फेंकती, बल्कि ये तीसरी बाइट से जहर फेंकना शुरू करती है। और ऐसा माना जाता है कि ये मकड़ी पहली बाइट में जहर छोड़ने की जगह बनाती है। और इसके पीछे का क्या कारण है ये पता लगा पाना काफी मुश्किल है, पर इसका पता जरूर लगाया जा चुका है कि ये अमेजोन की सबसे खतरनाक प्राणियों में से एक है। और हमारे लिस्ट के अगले नंबर का जीव है पॉइजन डार्ट फ्रॉग। क्या आपने सोचा है कि बारिश के समय में बेवजह टर टर करने वाले मेंढक में से कोई एक आपकी जान ले सकता है? अगर नहीं तो चलिए आपको मिलवाते हैं अमेजोन में पांचवें सबसे ज्यादा खतरनाक प्राणी से। ये है पॉइजन ड्राफ्ट फ्रॉग। ये नीले रंग के चमकीले मेंढक होते हैं। ये देखने में काफी ज्यादा खूबसूरत होते हैं और इनका ये रंग इन्हें पेड़ पौधों के बीच छुपने में काफी मदद करता है। ये लगभग 2 इंच लंबे होते हैं और इनमें इतना जहर होता है कि ये लगभग 10 इंसानों को बड़ी आसानी से मार सकते हैं। और हमारे चौथे नंबर का प्राणी है अमेजोन के जंगलों में पाए जाने वाला जैगुआर। और ये अमेजोन में पाई जाने वाली 87 से भी ज्यादा स्पीसीज को खा सकता है। इन स्पीसीज में हिरण से लेकर चूहे सब शामिल हैं। हालांकि इस लिस्ट में इंसानों का नाम शामिल नहीं है, लेकिन ये अपने रास्ते में आने वाले किसी भी इंसान को नहीं छोड़ता और ये रेन फॉरेस्ट में रहने के कारण तैरना भी जानता है। इसी कारण से ये पानी के प्राणियों को भी खा सकता है। और हमारे लिस्ट का तीसरा सबसे खतरनाक जानवर है ब्लैक कैमन। और आपको बता दें, अगर मगरमच्छ की कोई दुनिया होती है तो ब्लैक कैमन वहां का राजा होता है। एक समय में ये प्राणी अमेजोन में खत्म होने की कगार पे आया था, लेकिन इसे बचाने के लिए कई कानून बनाए गए। ये मिट्टी के रंग का होता है, इसलिए ये अपने शिकार का इंतजार करते हुए आसानी से छुप सकता है। आमतौर पर इसके शिकार में मछलियाँ शामिल होती हैं, जिनमें पिराना जैसी मछलियाँ भी होती हैं, लेकिन ये हिरण और दूसरे जानवरों पर भी हमला कर देता है और कई बार तो इसकी लड़ाइयाँ एनाकोंडा के साथ भी देखी जा चुकी हैं। कुल मिला के इसकी शिकार करने की खूबियाँ इसे अमेजोन का तीसरा सबसे खतरनाक जानवर बना देती हैं। और हमारे लिस्ट का दूसरा सबसे खतरनाक जानवर है एनाकोंडा।
और एनाकोंडा को तो आप सभी जानते ही होंगे, इस पे कितनी फिल्में और सीरीज भी बनाई जा चुकी हैं। ये अमेजोन का सबसे खतरनाक जानवर है और एनाकोंडा दुनिया के सबसे बड़े सांपों में से एक है और ये लगभग 21 फीट लंबा होता है। और आपको बता दें ये जहरीला नहीं होता, लेकिन बुरी खबर ये है कि ये दूसरे तरीकों से भी इंसान को मार सकता है और ये बिना चबाए अपने शिकार को निगल जाता है और ये अपने खाने को पचाने के लिए लगभग हफ्ते भर का समय लेता है। और हमारे लिस्ट के पहले नंबर के जीव का नाम है पिराना और ये अमेजोन के मोस्ट डेंजरस एनिमल्स की लिस्ट में नंबर वन पे है। समुद्र की सबसे बड़ी राक्षसों में से एक पिराना को अमेजोन में लोगों का सबसे बड़ा काल माना जाता है। अमेजोन के आसपास रहने वाले सारे आम लोग अक्सर उस पानी को तैर के पार करते हैं जिस पानी में पिराना रहती है। पिराना अक्सर मरे हुए जानवरों को खाकर अपना गुजारा करती है और आमतौर पर ये बड़े जानवरों और इंसानों पर हमला नहीं करती, पर जब ये ज्यादा भूखी होती है तब ये किसी भी जानवर या इंसान को अपना शिकार बनाने से नहीं चूकती, चाहे वो कितना भी बड़ा जानवर या इंसान हो। पिराना अक्सर आगे से हमला नहीं करती, लेकिन जब उसे पानी में ताजा खून की खुशबू आती है तब वो अपने लंबे नुकीले दांतों से किसी भी इंसान की चटनी बना सकती है। तो दोस्तों ये थे हमारे अमेजोन के मोस्ट डेंजरस एनिमल्स की लिस्ट। तो हमें कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको इनमें से सबसे डरावना और खतरनाक कौन सा जानवर लगा। और वीडियो को यहाँ तक देख चुके हैं तो हमारे चैनल फैक्ट गुरु को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करके जाइएगा।